हाय गाइस, वेलकम टू मौसमी किचन। मौसमी किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं संतरे से एक आसान तरीके की मिठाई बनाऊंगी, जिसे आप ऑरेंज जेली मिठाई भी कह सकते हैं, और बहुत ही कम समय में बनकर रेडी हो जाती है। तो नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए संतरे की इस मिठाई को बनाते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ संतरे ली हैं, तो इनके छिलके को निकाल देनी है। अब इन संतरे की मैं जूस निकालूंगी, लेकिन ये छिलके भी बहुत काम में आती हैं। तो फिर मैंने यहाँ जूस को निकाल ली है। करीबन 400 ग्राम जूस निकली है हमारी। जूस वाले पैन को साइड में रखकर एक ग्लास को थोड़ी तेल से ग्रीस कर लेनी है। अब तो मैंने इसमें तेल लगा दी है। देखिए, ग्लास को साइड में रखकर 3 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर डालूंगी, फिर मिक्स कर लूंगी। अच्छे से मिला लेनी है हमें कॉर्नफ्लोर को, ताकि कोई गुठली ना रह जाए। इसी तरह से तो हम जैम भी बनाते हैं। कभी आपको संतरे की जैम बनाना भी दिखाऊंगी। अब पैन को गैस पर चढ़ा दी है मैंने। एक उबाल आने तक गैस को मीडियम फ्लेम पर रखनी है हमें। अब 1 कप पाउडर शुगर ऐड करूंगी और अच्छे से मिक्स कर लेनी है फिर से। इसमें उबाल आ चुकी है, तो फ्लेम को लो कर देनी है अब, और अच्छे से चलाते रहें। चीनी की वजह से इसकी कलर भी चेंज हो जाएगी। कॉर्नफ्लोर की वजह से इसकी थिकनेस देखिए बढ़िया आई है, कलर भी चेंज हो गई है। हमारी मिठाई के लिए मिश्रण अब रेडी है, तो इसे नीचे उतार लेनी है हमें। 5 मिनट लगी है इसे पकाने में मुझे। अब ग्रीस के ग्लास पर धीरे से मिश्रण को डाल देनी है। हमें इस मिक्सचर को गर्म रहते ही डालनी है। मैंने तो ग्लास ली है, आप कटोरी या प्लेट को ग्रीस करके भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ रिफाइन ऑयल से ग्रीस की थी ग्लास को, आप बटर भी लगा सकते हैं। अब चम्मच से अच्छी तरह से सेट कर दें। थोड़ी मिश्रण बच गई है, तो और एक छोटे ग्लास को ग्रीस कर लेनी है। तो अब इस छोटी ग्लास में अब डाल देनी है बचे हुए मिश्रण को। ये ग्लास फुल नहीं हुई, आधी से थोड़ी ज़्यादा भरी है। दोनों ग्लास भर चुकी है, तो अब इन्हें एक साइड में ढककर आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में रख दें। आधे घंटे बाद ग्लास को हाथ से शेक कर लें और धीरे से प्लेट पर तिरछा करके निकाल लें। वाओ, देखिए कितनी बढ़िया निकल कर आई है हमारी मिठाई। अब दूसरे वाले ग्लास को भी इसी तरह से निकाल लेनी है। एक चाकू से इनको स्लाइसेस में काट लें, ताकि खाने में आसानी हो। मैंने इन्हें थोड़ी मोटी स्लाइसेस में काटी है, आप चाहें तो पतली भी काट सकते हैं। बिना ग्लूटेन के ये मिक्सचर कितने अच्छे से सेट हुई है देखिए। सभी स्लाइसेस को प्लेट पर सजा दें आप। वैसे तो आप इसी तरह से सर्व कर सकते हैं, पर थोड़ी सुंदर दिखे और खाने में और टेस्ट लगे, इसलिए थोड़ी नारियल का बुरादा ऊपर से छिड़क देनी है। सिर्फ 3 चीज़ से बनी है हमारी मिठाई। हमारी मिठाई अब खाने को रेडी है। अब ऊपर से एक लौंग को बीच से दे दूंगी और पुदीने के पत्ते से थोड़ी सजा दूंगी। संतरे की ये मिठाई बहुत ही इजीली बन जाती है, और बच्चे तो इसे बहुत ही पसंद करते हैं। देखिए कितनी शानदार लग रही है हमारी मिठाई, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। एक को काट कर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, लग रही है ना एकदम बाजार की तरह सॉफ्ट और लचीली। तो मेरी ये आसान संतरे की मिठाई आपको कैसी लगी, अपने व्यूज कमेंट कीजिए। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। नई इजी और हेल्दी रेसिपीज लेकर जल्द मिलेंगे।